फैक्ट नंबर वन, जापान की होंडा ने इंडिया के हीरो को किस तरह से धोखा दिया, चलिए जानते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि हीरो होंडा 90 के दशक में दुनिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी थी, जिसकी डिमांड इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी। लेकिन फिर भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी अलग हो गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जापान की कंपनी होंडा ने भारत की कंपनी हीरो को धोखा दे दिया था। जी हां गाइस, जो कि उस समय इंडिया का सबसे बड़ा साइकिल नेटवर्क था, उसने जापान की होंडा के साथ सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेट किया था, लेकिन होंडा ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और खुद तो अपनी बाइक्स को अमेरिका और रशिया जैसे अमीर देशों में बेचता था, लेकिन हीरो को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे गरीब देशों में ही अपनी बाइक बेचने की परमिशन देता था। और ये बात हीरो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि पूरा नेटवर्क तो हीरो ने बनाया था और होंडा सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर मजे ले रहा था। बस इसीलिए साल 2010 में ये दोनों कंपनियां अलग अलग हो गई। फैक्ट नंबर टू, पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही। जी हां गाइस, पठान आया भी और 5 दिन में 550 करोड़ रुपए कमा के भी ले गया और उसने इंडियन सिनेमा में नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जिससे उसने ना केवल साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया बल्कि हॉलीवुड की अवतार 2 जैसी हाई रेटेड फिल्म को भी अपने ही देश अमेरिका में कई सिनेमा घरों से रिप्लेस भी कर दिया। यानी कि शाहरुख खान की पठान ने अमेरिका में भी झंडे गाड़ दिए हैं, जिसके बाद अब लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ गया है कि क्या पठान KGF 2 और RRR के 1200 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू पाएगा। तो जरा इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, RRR के पहले 5 दिन की कमाई थी 600 करोड़ रुपए और KGF के पहले 5 दिन की कमाई थी 625 करोड़ रुपए। यानी कि पठान 5 दिन की कमाई के हिसाब से अभी भी इन दोनों फिल्मों से पीछे है। हालांकि 5 दिन के बाद इन दोनों की कमाई पर ब्रेक लग गया था, लेकिन पठान का क्रेज दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहा है।